दोस्तों राधा मोहन का आने वाला एपिसोड काफी ज्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है, क्योंकि इस समय सीधा सीधा अपने आप को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रही है दामिनी। हालांकि दामिनी ये बोलती हुई नजर आ रही है कि सीसीटीवी में देख लो मैंने कुछ नहीं किया है राधा को। राधा ऑफिस में जरूर आई थी लेकिन मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय कहानी एक नया दिलचस्प मोड़ ले चुकी है, जहाँ आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी लोग आखिरकार कन्फ्यूजन की स्थिति में नजर आ रहे हैं। सभी लोगों का मानना यह है कि जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं बुरा हो रहा है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में देखने को मिलेगा कि किस तरीका से आखिरकार बात की जाए राधा की, तो राधा को वहाँ बचाने के लिए मोहन पहुँच ही जाता है, क्योंकि मोहन ने वादा किया था कि वो राधा को कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकालेगा। जब गुनगुन ने बोला था कि मुझे राधा बिल्कुल सही चाहिए और बिल्कुल ठीक जगह चाहिए, अगर राधा को कुछ भी हुआ तो मैं भूल जाऊँगी कि ये कौन है और मैं कौन हूँ, और फिर मैं इन सभी घर वालों के साथ में क्या करूँगी। क्योंकि दोस्तों उस बच्ची का मानना बिल्कुल सही है और वो अपनी जगह बिल्कुल सोच भी सही रही है। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय सभी घर वाले कहीं ना कहीं एक कन्फ्यूजन की स्थिति में नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार गुनगुन का मानना बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर राधा को कुछ होता है तो ये सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं बुरा समय है। दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि आने वाले एपिसोड के लिए आप लोगों को करना क्या होगा। जी हाँ, आप लोगों को आने वाले समय में मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करना होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइए गाइज आखिरकार आपको मेरी वीडियो कैसे लगती है, क्योंकि आने वाली कहानी एक नया मोड़ और नया ही दिलचस्प ट्विस्ट लेकर आ रही है, और जिसमें दामिनी को होगी जेल की सज़ा, और जेल की सज़ा के लिए वाकई में तैयार भी रहना होगा दामिनी को, क्योंकि कभी भी कुछ भी अनाउंस हो सकता है। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।